ये देखें ब्रेड के गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको ना ये तोड़ के भी बता देती हूँ ये किस तरह बना है, थोड़ा सा शीरा भी। अब आपने जो है वो इसमें ये देखें कितने सॉफ्ट बने और अंदर तक शीरा गया है, कितने सॉफ्ट बने हैं। और चल के देखते हैं ये रेसिपी किस तरह तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सो अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आए हैं, लेकिन गुलाब जामुन खोए से नहीं बनेंगे, ये ब्रेड स्लाइस से हम गुलाब जामुन बनाएंगे। और ये टेस्ट में बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे जैसे आपने खोए से बनाए हैं। और बनाना इतना आसान है कि आपके घर में तमाम चीज़ें इस वक्त मौजूद होंगी और आप अभी मतलब इसको ट्राई करके चेक करिएगा तो आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगेगा जैसे आपने हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन लिए हैं। तो जिसके लिए हमने ब्रेड स्लाइसिस जो हैं उसको लिया है, 8 हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, लेकिन ये मीडियम साइज़ के ब्रेड स्लाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा फुल साइज़ के नहीं और छोटे भी नहीं हैं, ये 8 हैं। और इसके जो है किनारे हमने काट लेने हैं। इसको तैयार करके मैं मिलती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। ब्रेड स्लाइसेस को हमने तैयार कर लिया है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। ब्रेड स्लाइसेस को हमने तोड़ लेना है और आप तमाम चीज़ें देख लें कि शीरा बनाने के लिए हमने 1.5 कप चीनी ली है और 1 कप पानी, ये देखें। और इसके अलावा हमें 5 खाने के चम्मच फ्रेश मिल्क जो है उबाल के इसको ठंडा किया है वो चाहिए, और 1/3 टीस्पून इलायची पाउडर, और 3 इलायची जो है हम शीरे में पकाएंगे। और फिर देख लें आप कितनी कम अज्जा से हम ब्रेड गुलाब जामुन बना लेंगे। इसको पहले तोड़ लेते हैं। इलायची पाउडर इसमें शामिल किया और ये 4 से 5 खाने के चम्मच हमने फ्रेश मिल्क को शामिल किया। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अच्छा, जितना दूध हमने शामिल किया था वो तकरीबन सही था, अगर और ज़रूरत होगी तो आप और शामिल कर सकते हैं, आपके ब्रेड स्लाइस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने जब चेक करना है दूध शामिल करके कि गुलाब जामुन बन रहा है या नहीं इस तरह करके, तो अगर ये बन रहा है तो समझ लें दूध की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसकी गोलियां बना लेते हैं छोटी छोटी, इसकी गोली बना लेते हैं गुलाब जामुन की, इस तरह करके इसने गोल गोल इस तरह हाथों दोनों हथेलियों से, ये देखिए ये तैयार हो गई है। सबसे पहले शीरा तैयार कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं 1.5 कप चीनी, 1 कप पानी, शीरा तैयार हो गया है। इसका चूल्हा जो है वो जलते रहना चाहिए, और दूसरे चूल्हे पर हमने गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए घी मेल्ट करने के लिए रखा हुआ है। घी जैसे ही मेल्ट हो, थोड़ा सा इसको हमने गर्म इतना ज़्यादा नहीं करना कि हम जैसे ही गुलाब जामुन डालें तो ये जल जाएं, तो नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। और इसको गोल गोल घुमाना है हमने ऐसे, इसको हम पलटा रहे हैं जहाँ जहाँ से फ्राई हो रहे हैं, इसको पलट दें थोड़ा थले करके बस। फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको शीरे में डालते हैं। तकरीबन इसको हमने 2 से 3 मिनट हमने पकाना है। इसी तरह चूल्हा बंद कर दें, ये तैयार हो गए हैं। इसको इसी तरह शीरे में रखें, तकरीबन 5 से 7 मिनट रखें, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त गुलाब जामुन, ब्रेड के गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। दूसरा भी पिस्ते से गार्निश कर ले। अब आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी साजा, 8 मैं ब्रेड स्लाइस ले सन ते उन्हें किनारे कट के ना ते दूध ते इलायची पाउडर पा के मिक्स करके ते गुलाब जामुन की शेप बना ली सी, ते उस तो बाद उन्हें घी च फ्राई कर लिया सी, नाल ही 1.5 कप चीनी ते 1 कप पानी का शीरा बना के वो इलायची दाने पा ले सन। जैसे ही शीरा तैयार होना है तो उन्हें फ्राई करके गुलाब जामुन ते शीरे च पाना है, 2-3 मिनट वो उबाल पकाना है, उस तो बाद चूल्हा बंद करके उन्हें 5-7 मिनट रखना है, तो उस तो बाद तुसी निकाल के ते गार्निश करके पिस्ते दे नाल खाओ। ट्राई करके जरूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।